इस वक्त मैं जो हूँ, मैं अपने किचन में हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम जो रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं वो है बेसिकली जिंजर फ्राइड चिकन की। बात करते हैं तो मसाले में पिसी हुई मिर्ची है हमारे पास, सही है, हमारे पास नमक है, चाट का मसाला है और ये सौंफ का पाउडर है। और अगर बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास है काली मिर्चें। अच्छा, अब जो करना है ना, आपने सारे सॉसेस वगैरह डाल दिए इसके अंदर, सारे मसाले आपने इसके अंदर पहले ही डाल चुके हैं। अब करना ये कि हमने इसको रेस्ट के लिए रख देना थोड़ी सी देर तक। भाई अभी ये कि देखें, आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे करंज बन रहा है। अब हमने करना है ये कि इसको, अब हम इसको करेंगे क्या, फ्राई करेंगे इसको। फ्राई कर देते हैं बेहतरीन तरीके से मिक्स करने के बाद। अभी हमने पानी में नहीं डाला इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी में डालेंगे फिर दोबारा से इसको मैदे के अंदर डिप करेंगे। पहले अच्छी तरीके से इसको मैदा लग जाए चिकन को, ताकि ये इसके अंदर फुल करारा बना आ जाए, मजा आ जाएगा। करंजपन जो आएगा ना वो इसी से आएगा, इस मैदे से आता है। भाई ये देखें, सदीम इस वक्त टेस्ट करने के लिए आए हैं। भाई हाँ, क्या करना है, जल्दी बनानी है? हाँ, बहुत मजे की लग रही है। ये लो भाई। अभी इस वक्त ये कि मैं आपको एक बड़ी अच्छी सॉस बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि मार्केटों में अवेलेबल होती है और आप लोगों को बहुत पसंद आती है। तो वो चेक करते हैं किस तरीके से बनाएंगे। भाई ये है हमारा सॉस और ये हमारा सॉस तैयार हो चुका है। तो भाई अभी इस वक्त ये कि हमारी सब चीज़ें क्लियर हो गई और माशाल्लाह हमारे तैयब भाई जो है बैठ के लपेट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। सीन ये है कि यार, आप बहुत टाइम बाद तुम्हारा भाई ब्लॉग में हाजिर हुआ है और तुम्हारा भाई बहुत दिनों बाद एक वीडियो को शूट कर रहा है। शूट तो हमारे पास पहले भी दो वीडियोस पड़ी हुई है जो कि पेंडिंग में है और अभी तक एडिट नहीं हुई है यार। लेकिन सीन ये है कि भाई आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है और आने वाले दो व्लॉग जो हैं वो भी बहुत स्पेशल होने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हमने ये कि वीडियो को एडिट वगैरह नहीं किया और वो वीडियो ऐसी रखी हुई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच जाए। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। इसमें ये क्या, आज हम आपको बड़ी अच्छी चीज़ बनाना सिखाएंगे। वैसे तो आप लोग सारी चीज़ों के बड़े माहिर हैं, लेकिन ये कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचेगी किसके थ्रू, सिर्फ बेल आइकन के थ्रू। और तो भाई आज सीन ये है कि भाई आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर फ्राइड चिकन, और वो किस तरीके से बनेगी, और बहुत आसान रेसिपी है ये। जो मसाले हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सब आपके अपने किचन में है भाई। हाँ, अपने किचन में है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मंगानी है आपको एक चिकन, बस कुछ नहीं करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। और जी अभी जो है, इस वक्त मैं जो हूँ, मैं अपने किचन में हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम जो रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं वो है बेसिकली जिंजर फ्राइड चिकन। अच्छा, आपने लेना क्या है, आपने सिंपल कुछ नहीं लेना, आपने लेना ये कि सबसे पहले आपके पास चिकन होनी चाहिए और आपके पास ये कुछ स्पाइस होने चाहिए, मतलब कुछ मसाले ऐसे होने चाहिए जो आपके पास अपने घर में हो, ठीक है। और ये मसाले वो मसाले हैं जो कि आप हर हंडिया हर खाने में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चिकन है, हमने इसको धो लिया है। हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, मसालों की बात करते हैं तो मसाले में पिसी हुई मिर्ची है हमारे पास, सही है, हमारे पास नमक है, चाट का मसाला है और ये सौंफ का पाउडर है। और अगर बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास है काली मिर्चें। और जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं जिंगर फ्राइड चिकन। खाने को और ज़्यादा चटकीला बनाना चाहते हैं और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कुछ ये चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ सॉसेस होते हैं हमारे पास, जिसमें चिल्ली सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, और हमारे पास जो ये वाला सॉस है ये वेनेजर सॉस है, सही है। तो आप ये भी इसके अंदर इंक्लूड करके अपने खाने को बहुत ज्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। इन तमाम सॉसेस को आप, हमने करना ये कि चिकन के अंदर ऐड करना है और इससे बनेगी हमारे पास बेहतरीन सॉसी जिंगर फ्राइड चिकन। चलते हैं मसालों को क्या करते हैं, चिकन के अंदर डालते हैं और बनाते हैं एक बेहतरीन किस्म का तड़केदार खाना। मसाले हैं ना ये, आप जब चिकन के अंदर डालेंगे तो उससे पहले आपने करना ये कि इनकी जो तादाद है बेसिकली, वो बेसिकली 2-3 टेबल स्पून है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, हमारे पास ये मिर्चें हैं, कौन सी मिर्चें हैं, हमारे पास पिसी हुई मिर्चें हैं, सही है, ये हमारे पास है काली मिर्चें हैं, ठीक है, ये हमारे पास सौंफ वाला का जो मिक्सर है ये वो है, ठीक है, ये हमारे पास है चाट का मसाला, ठीक है, हमने इसको भी इसमें डाल देना। और जो हमारे पास ये है ना, ये नमक है, ठीक है, नमक आपने हसब जायका डालना है, अपने हिसाब से डालना है, ऐसा ना हो कि आप नमक को बहुत ज़्यादा डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा चटकीला हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। पहले आपने सबसे पहले सॉसेस को तरीके से मोहब्बत से अपने हिसाब से डालना। अच्छा, अब जो करना है ना, आपने सारे सॉसेस वगैरह डाल दिए इसके अंदर, सारे मसाले आपने इसके अंदर पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने मसाले डाल दिए। अब आपने जो करना है ना, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने का तरीका सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स आउट कर लेना है।
जैसे आप मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है, इसको रख देना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के पास सारी घर पे अवेलेबल हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो ये आप इजीली अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसको हमने क्या करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम ले लेते तो आधा घंटा आप इसको रख दें, ताकि ये जो चिकन है ना ये सारा जो है मसाला क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, तो इससे ये कि टेस्ट हमारे पास बहुत नेक्स्ट लेवल आएगा। हाँ जी, अच्छा जी, हमारा सारा मसाला जो है एक नेक्स्ट लेवल मिक्स हो चुका है। अब करना ये कि हमने इसको रेस्ट के लिए रख देना थोड़ी सी देर तक, थोड़ी सी देर मतलब ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कम से कम भी आधे घंटे रख लो, मैक्सिमम मैंने बोला था आधे घंटे, तो आधे घंटे रख लो ताकि ये तुम्हारा मसाला वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो उसका टेस्ट होगा ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। यार मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया यार, ये मैंने चिकन वगैरह सब मसाला वगैरह तो लगा दी लेकिन मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला। अच्छा, लहसुन अदरक का ज़्यादातर लोग को इसका जो पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक विद हाइजीन हमारे पास लहसुन अदरक मौजूद है, तो हम इसके अंदर कम से कम 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है और दोबाला हो जाए। जी ये देखें, ये हमारे पास लहसुन अदरक है, सही है, इसको डाल देना है, इसमें कम से कम टेबल स्पून डालना है, तो टी स्पून है ना, कम से कम ये तो 2 टेबल स्पून हमने डालना है। ये चीज़ अजीज है यार, बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये हमने लहसुन अदरक से थोड़ा सा और डाल देना, लहसुन अदरक से ये टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ जी, अब जो इसको हमने दोबारा मिक्सअप करना पड़ेगा यार, इसको थोड़ा सा ये कि मिक्स दोबारा कर लेते हैं ताकि ये कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सही है, जैसे ये मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसको दोबारा से कम ये 10-15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा रखेंगे तो ये कि हमारा टेस्ट ये कि बहुत अच्छा आएगा और मज़ा भी आएगा खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है हम मैदे वाला प्रोसीजर होगा। ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमने फर्स्ट स्टेप हमने मुर्गे धोना था, सेकंड स्टेप हमने मसाला लगा दिया, अब जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो मैदे वाला है। अब हमने क्या करना होगा उसको, वो हम आगे जाके आपको वीडियो बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो शेयर लाजमी करना। मैं लड़का होके बना रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे लड़कियों ने इतने सारे यूट्यूब चैनल खोल रखा है तुम्हारा भाई, तुम्हें खुद एक इतनी अच्छी रेसिपी सिखा रहा है, कुछ तो करो भाई, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो भाई सीन ये है कि बस ये सारा हो चुका है, हमारा गोश्त वगैरह जो है काफ़ी है कि मसाला, आधे घंटे का टाइम था हमारे पास तो हमने आधे घंटे तक इसको ये कि डिप करके रखा हुआ है और अब ये इसने ये कि मसाला वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया। अब नया जो सेशन होगा हमारा, नया जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे पास मैदा है। ठीक है, अब मैदा में हमने इसको किस तरीके से डिप करना है वो आप लोगों ने ज़रा देखना है। अच्छा, अब करना ये कि हमने अब सबसे पहले लेना हमने ठंडा पानी। भाई ठंडा पानी का सीन क्या है कि भाई हमने सबसे पहले ठंडा पानी लेना है, भाई इसको हमने ठंडे पानी से भर लेना है। अब ये करना है कि हमने ठंडा पानी इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब ये करना है हमने, ये जो है ना चिकन, हमने चिकन को लेना है पहले जो है अच्छी तरीके से, हमने मैदे के अंदर डिप करना है इसको। सही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, इतना है कि एक एक दवा ये के मैदा हो जाए। चिकन को मैदे के अंदर डिप करना है, उसके बाद बताऊँ क्या करना है, उसके बाद ये करना है हमने ठंडे पानी में डालना है। सही है, ठंडे पानी में डाला हमने, फिर दोबारा से डिप करना है। सही है, और बाकी ये कि हमने ऑयल जो है गरम करने रख दिया है, अब ये गरम हो जाएगा ना ऑयल तो हम क्या करेंगे इसके ऑयल के अंदर डालेंगे, ये पूरा उठा के हम क्या कर देंगे ऑयल के अंदर डाल देंगे तो ये फ्राई हो जाएगा फिर। भाई अभी ये कि देखें, आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे करंज बन रहा है। अब हमने करना है ये कि इसको, अब हम इसको करेंगे क्या, फ्राई करेंगे इसको, फ्राई कर देंगे। अब ये फ्राई होगा थोड़ी, ये कम से कम 1 से 2 मिनट फ्राई होगा, उसके बाद ये कि एक बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। भाई ये हमने इसमें भी मैदे में हमने इसको अच्छी तरीके से डिप कर लिया, अब ये करना है कि हमने इसको इसके अंदर डालना है, ऑयल के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, ये भी हमने डाल दिया था, ये बस एंड पर है। ओए होए 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 यार, आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ये बिल्कुल कड़क हो गया, फुल करंज बन रहा है अभी इसका, और ये अभी और फ्राई होगा। सही, और फ्राई होगा तो ये कि इसके अंदर और मज़ा आएगा, तो ये देख सकते हैं आप कलर आ रहा है, देख रहे हैं कैसा कलर, ओह बेहतरीन। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और ताकि एक सही तरीके से गोश्त भी क्या हो जाए, गल जाए और हमारा जो है फ्राइज भी जल्दी से तैयार हो जाए। भाई अभी ये कि भाई अभी हम लोग जो है, आप लोगों ने देखा कि हमने 1 by 1 किया, लेकिन ये कि अब जो करना है ना, हमने हमने क्या किया, सारी चिकन ना मैदे के अंदर डाल दिए। अब इसको करना ये है कि सबसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बेहतरीन तरीके से मिक्स करने के बाद, अभी हमने पानी में नहीं डाला इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पानी में डालेंगे, फिर दोबारा से इसको मैदे के अंदर डिप करेंगे। पहले अच्छी तरीके से इसको मैदा लग जाए,
चिकन को, ताकि एक इसके अंदर फुल करारा बना आ जाए, मजा आ जाएगा। करंचपन जो आएगा ना वो इसी से आएगा, इस मैदे से आता है, सही है। अब क्या करना है, हमने पहले इधर देख लो, यहाँ पे देखो ये बन चुका है एंड है इसका माशाल्लाह, कलर ही बड़ा बेहतरीन आया हुआ है, ये देखें फुल बेहतरीन किस्म का कलर आया हुआ है, और आप ये देख सकते हैं वो हो गया, बस एंड चल रहा है इसका। भाई ये देखे सदीम इस वक्त टेस्ट करने के लिए आए हैं भाई। हाँ क्या करना है, जल्दी बनानी है। हाँ बहुत मजे की लग रही है। ये लो ओए ओए रुक जा, नीचे ना गिरे बस, ओए ओए गिर गया। चलो चलो जल्दी खा के दिखाओ। ओए 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 मुन्नी तेरे, हो 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 कैसा मजा आया, नहीं आया मजा, बेहतरीन। और है बेटा मेरे लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना, ये लो खाओ जल्दी जल्दी, आधा खाना आधा खाना, मैंने भी खाना है, मैंने भी खाना है। भाई ये रोटी शोटी आ गई है हमारी, और ये हमारे पास देखें ये केचप है, ये मायोनीज है, ये हमारे पास चटनी है, बाकी ये तीनों सॉसेस हैं, ठीक है। मैं आपको एक बेहतरीन सा सॉस बताने जा रहा हूँ, जो कि मार्केटों में अवेलेबल होता है, लेकिन वो अपनी रेसिपीज वगैरह नहीं बता रहे हो। भाई ये चेक करें आप, ये हमारा आ गया है चिकन फ्राइड, सही है, बाकी ये रोटी है हमारे पास, सॉसेस वगैरह हैं। और भाई अभी इस वक्त ये है कि मैं आपको एक बड़ी अच्छी सॉस बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि मार्केटों में अवेलेबल होती है और आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो वो चेक करते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सब ठीक है, तुमने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना तुम। ये जो है हमारे पास केचप है, ये हमारे पास जो है मायोनीज है, ठीक है, मायोनीज हम लोग उसको ऊपर डालेंगे, सही है, ये ठीक है जी, ये मायोनीज हो गया। फिर हमने थोड़ी सी डालनी है चटनी, ये जो है हमारे पास चटनी है, जो कि हम इसको थोड़ा सा ये के ऊपर से डाल देंगे, ये आइए, उसके बाद जो है हमारे पास ये दो ये वाला, नहीं नहीं ये नहीं डालना है, उसके बाद हम लोग थोड़ा चिल्ली सॉस डालेंगे, ताकि ये कि थोड़ा सा चिल्ली सॉस हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे सोया सॉस दिखा देगा, सोया सॉस है, थोड़ा सा ये सोया सॉस डालेंगे। ये जो है हमारी बनी है खतरनाक किस्म की सॉस, मिलाओ ज़रा अच्छी तरीके से मैश करो उसको। भाई ये है हमारा सॉस, और ये हमारा सॉस तैयार हो चुका है, फ़क्त कलर आ गया खतरनाक, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं, लेकिन अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई बस ये खाना पीना शुरू हो गए। ये ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं शवारमा नहीं है, सच्ची में वही वाला टेस्ट आ रहा है जो शवारमा के अंदर ये डाला हुआ। चिकन ये रखी हुई और रोटियां हैं, बेटा फेटो नहीं, बस रहने दो, छोड़ दो बस, बहुत देर ना। तो भाई अभी इस वक्त ये है कि हमारी सब चीज़ें क्लियर हो गई, और माशाल्लाह हमारे तैयब भाई जो है बैठ के लपेट रहे हैं। तो भाई अब ये बताओ तैयब खाते कैसे हैं इसको, फुल देखें हमारा सॉस, देखें सॉस का जो कलर आया वो कितना अच्छा है, तो तैयब खा के दिखाओ अच्छा था। ये हमारे पास एक पीस, सही है, इसको पहले तो हम इसमें नहलाएंगे, नहलाया ये नहला दिया, इसको देखेंगे फिर देखेंगे। वाह भाई वाह, तो आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते रहिएगा, हमें बहुत क्रंची थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके अल्लाह। ऐसा मना होता था, दिल चाहते खाते रहो दबे आते चले। तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह।